अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग तो मेरी हो चुकी है, नाश्ते वाश्ते सारे हो गए हैं, सफाइयाँ हो गई हैं घर की। बस मैं यहाँ पर अभी देख रही थी प्लांट को देखने के लिए आई थी, और इमरान सारा पानी डाल के गए और सारा गंदा करके चले गए। ये इमरान सारा पानी पूरा गंदा करके चले गए। तो फिलहाल मैं ये करने के लिए आई हूँ, बहुत गंदा कर दिया। तो आज काफ़ी धूप निकली हुई है, काफ़ी दिन बाद धूप निकली है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, तो बस आज मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करना चाहिए। बोर हो रही हूँ, कुछ काम करूँ अभी समझ नहीं आ रहा। सुबह आज मैं सोकर उठी हूँ, बस नींद ऐसी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ से पैनाडोल मंगवाई, पैनाडोल मेरे लिए बस अलग से रखी रहती है पैनाडोल का पत्ता कि कब सर में दर्द हो, मैं कब खा लूँ। तो बस पैनाडोल खाऊंगी तो थोड़ा सा फ्रेश। अभी फ़िलहाल सिर्फ प्लांट को देख रही थी, देखें जो मैंने यहाँ पर ये बांधी हुई है ना, तो माशाल्लाह से बहुत बढ़ रही है। और ये वाली ये मोबाइल को क्या हो रहा है? अच्छा, साथ साथ बिरयानी भी चल रही है और साथ साथ मोबाइल भी चल रहा है और बोतल भी अपने पास रखी हुई है। वाह वाह भाई। बहुत मज़े आ रहे हैं भाई। आयत बाबा कहाँ हैं? बाबा कहाँ गए? बोतल भी साथ साथ रखी हुई है। तो गाइस आज सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल थकी हुई भी नहीं है, क्यों हो रहा है। मैंने दो पैनाडोल भी खा चुकी हूँ। इमरान पता नहीं कहाँ चले गए, आएंगे तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, सुबह से इतने चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी चक्राहट सी अजीब सी हो रही है। पता नहीं किस तरह तबीयत सही होगी, शायद डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा। और पता है मेरे दर्द इस जगह दर्द हो रहा है और उस जगह दर्द हो रहा है। ये कनपटियाँ जो है ना बस इतनी शदीद दुख रही है मेरी कि बहुत दर्द हो रहा है, शदीद वाला। हालांकि जब पैनाडोल मैं खाती हूँ तो पैनाडोल से मुझे बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन जो है ना पैनाडोल से भी सही नहीं हो रहा बिल्कुल। अयो क्या कर रही हो बेटा? प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी आ गई है मेरी चाय, ये पीने से मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, कुछ सर में दर्द कम हो जाए। सर में दर्द तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों इतना क्यों हो गया सर में दर्द, समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना। मतलब सर में दर्द भी कुछ अजीब ही हो रहा है, इस तरह हो रहा है यहाँ कनपटी पर। तो कीमा हो गया है मेरा रेडी, बस थोड़े से आलू गल जाए। तो गाइज़ मैं आई हूँ अभी फ्रेश होकर, लेकिन स्टिल सर का दर्द मेरे सही नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे में हुआ क्या है। इसी इसमें मैंने कीमा भी बना लिया, मैं नहा कर आ गई, मैंने कहा शायद थोड़े से फ्रेश हो जाऊँ, लेकिन नहीं सही हो रहा। इमरान को फ़ोन करती हूँ, डॉक्टर के यहाँ लेके चले हैं, बहुत अजीब सी चक्कर, ऐसा लग रहा सब कुछ घूम रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो कीमा भी तैयार हो गया है, मैंने कहा कि बस मैंने ऐसे चढ़ा कर रख दिया था। बस इसमें डालना था मुझे हरा धनिया, लेकिन हरा धनिया फ़िलहाल है नहीं और कोई है भी नहीं लाने वाला, तो बस कीमा भून कर ये हो जाएगा रेडी। भूनूंगी इसे और खाने के लिए तो है रेडी। रोटियां बाहर से ही मंगवाऊंगी, मेरी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल कि मैं पकाऊं, इतनी बुरी हालत है वैसे ही मेरी तो। और मैंने फिर भी सर के दर्द में और चक्राहट में भी उठ के खाना बना लिया, एहसान है मेरा बहुत बड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस आयान और मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने कहा खाना ही खा लेते हैं, एक काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी काफी टाइम हो गया, 9 तो बज ही गए थे। इतनी गरम गरम फूली फूली रोटियां आई हैं, अयान बहुत ज़बरदस्त नान लाया हो तुम, बैठो सही से आइयो, बिरयानी खाओ। तो
आई तो अपनी बिरयानी खाकर। और मैंने ये स्टू कीमा बहुत दिनों बाद बनाया और बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा बना है। अयान कैसा बना है? बहुत टेस्टी बना है कीमा। अब इमरान जब आएंगे वो अलग खा लेंगे, क्योंकि उनका तो कोई टाइमिंग ही नहीं है आने की, पता नहीं कितने बजे तक आएंगे। तो लिटरली कीमा बहुत अच्छा बना है। खासकर इन रोटियों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम। तो गाइस आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आज बोला था ना कि मैं सुबह से मेरी कुछ तबीयत ऐसी है कि मेरे सर में दर्द नॉर्मल नहीं हो रहा। तो अभी बस मैं जब इमरान आ गए तो फिर मैं दवाई लेने के लिए गई तो पता लगा बहुत ज़्यादा बीपी हाई है। डॉक्टर ने कहा इतना ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है, शदीद वाला। तो बस इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी हैं, वो खाकर जो मैं सोई हूँ अब तकरीबन 3 बज रहे हैं रात की और मेरी आँख खुली है। तो बस अभी चाय पिए, थोड़ी सी फिर दवाई खाई है। पता नहीं कैसी तबीयत अजीब सी हो गई थी और अभी भी आंखें मेरी स्टिल खुल नहीं रही हैं, इतनी भारी भारी आंखें हो रही हैं। पता नहीं कैसे मेरा बीपी हाई हो गया। और मैं तो हमेशा से ये करती हूँ कि जब भी कुछ भी सर में दर्द होता है और पैनाडोल उठाई और खा ली, मैंने कभी बीपी चेक करवाती ही नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना बीपी हाई है शदीद वाला, तो बहुत एहतियात करें और नमक कम खाएं, जो कि मैं छिड़क छिड़क के ऊपर खाती हूँ। तो बहरहाल अब एहतियात करूँगी, अब तो नहीं खाऊँगी मैं इतना। तो बस अभी भी इतनी आंखें भारी भारी हो रही हैं अजीब सी। तो यही व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए व्लॉग के साथ में। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से सही हो जाए।